नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएचजी इन्फोलॉग्स। और पीएचजी इन्फोलॉग्स में सभी मेरे दोस्तों और भाइयों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ मोबाइल फोन में आप आपके चैनल का लोगो या आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हो। मतलब आपको इसके लिए कुछ लैपटॉप की या पीसी की जरूरत नहीं है आपको लोगो बनाने के लिए। तो आप सिर्फ मोबाइल में आपके नेट कनेक्शन होगा तो मतलब वो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसमें आप एकदम अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो साइड में, मैंने मेरा चैनल लोगो बनाया है। तो आप ये चैनल लोगो एज अ इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर या यूट्यूब चैनल को भी ये लोगो यूज कर सकते हो आप। और ये सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाएगा दोस्तों। और ये मैंने एकदम डिटेल में अच्छी तरह से बताया कि आपको आपका मतलब फोटो लेना है और बाद में सॉफ्टवेयर में जाके क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो मतलब आपका लोगो उस तरीके से बन पाएगा और एकदम ईजी है दोस्तों। तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मोबाइल में जो पिक्सआर्ट करके प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो एप्लीकेशन ओपन करना है। ये देखिए इसका लोगो, और ये मैं अभी ओपन कर रहा हूँ पिक्सआर्ट करके। और आप मोबाइल का इंटरनेट चालू रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बंद रखा था तो मतलब यहाँ पे नो इंटरनेट का आ रहा था साइन। इससे हम लोग कुछ स्टिकर्स वगैरह है वो ले सकते हैं। तो मैं अभी इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं नया चैनल लोगो बनाने के लिए नीचे जो बॉटम में सेंटर में प्लस साइन है उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये बहुत सारे फ़ोटोज़ है वो आ रहे हैं। तो मेरे गैलरी के सब फ़ोटोज़ ओपन हो गए। तो उसमें से मैं कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैं सिंगल रहूँगा। दो ऑब्जेक्ट वाला फ़ोटो आपको लेना नहीं है, नहीं तो आपको दो जन के लिए मतलब कटआउट बनाना पड़ेगा। एक सिंगल बैकग्राउंड में अगर आप हो, ये देखो मैंने पहले कुछ बनाए हुए फ़ोटोज़ है मेरे चैनल के लोगो जो मैंने अभी करंटली फेसबुक पर रखा है। और करंट चैनल का लोगो मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन मेरा फेसबुक का जो पेज है चैनल का पीएचजी इन्फोलॉग्स YT चैनल, वो मैंने चेंज कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसे ऐप में कई फ्री पॉपअप्स भी आ जाएंगे क्योंकि आप फ्री ऐप यूज़ कर रहे हो। तो मैंने ये मेरा फ़ोटो ओपन कर दिया है इसमें, और अभी मैं फ़ोटो का कटआउट लूँगा दोस्तों। तो मुझे कटआउट सिलेक्ट करना है, वो मैंने अभी सिलेक्ट किया आपके सामने। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में आइकॉन है मतलब यूज़र का आइकॉन, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये रेड कलर में मैं सिलेक्ट हो गया। मेरी जो इमेज है वो रेड कलर में सिलेक्ट हो गई, और मैंने बाजू में जो आया आइकॉन था उसको दबाया। राइट साइड में जो आया आइकॉन है उसके ऊपर जो कट का साइन था वो चला गया, और अभी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, उसने बैकग्राउंड कट कर दिया। तो ये मैंने अभी ऊपर से राइट वाले एरो को नेक्स्ट किया और ये इमेज मैं अभी सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ये यहाँ पे एज वगैरह पूछ रहा है, ये पॉपअप छोटे मोटे आते रहते तो आपको ये पॉपअप इग्नोर करने दोस्तों। ये इसको क्लोज कर दो, ऊपर से क्लोज दबा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा कटआउट वाला इमेज जो है वो मैं सेव करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेव का ऑप्शन मैंने दबाया, नीचे सेव का ऑप्शन है लास्ट में। और सेव करने के बाद ये पूछ रहा है गैलरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो मैंने गैलरी को टैप किया। गैलरी में टैप करते ही ये दोस्तों ये कुछ सेकंड्स में गैलरी में चला जाएगा, और ये वापस एक बार पॉपअप आया यहाँ पे। तो पॉपअप को मैंने वापस बोला आपको बैक दबाना है या क्लोज़ कर देना। मैंने क्लोज़ कर रहा हूँ, और वो इमेज गैलरी में सेव हुई कि नहीं वो जाके देख रहा हूँ। तो ये मेरे सब गैलरी के फ़ोटोज़ है। MI का मोबाइल है मेरा, तो मैं अल्बम्स में गया। अल्बम्स में जाने के बाद पिक्सआर्ट में गया, और यहाँ पे ये प्रॉपर जूम करके देख रहा हूँ तो अच्छा ऑटोमेटिक कटआउट लिया है। वरना आप सिलेक्ट करके भी कटआउट ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा वाइट पोर्शन है, देखो यहाँ पे, तो वो बराबर कट नहीं हुआ है। तो आप बाद में वो एडिट कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको जल्दी से जल्दी बताना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो मैं आपको मतलब शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये इमेज में मैं बाद में सिलेक्ट करूँगा, लेकिन अभी जाऊँगा वापस पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में इसके लिए जाएंगे क्योंकि हमें इमेज बैकग्राउंड जो है, लोगो बैकग्राउंड, उसको बैकग्राउंड देना है। तो ये फ्री ट्रायल का वापस एक बार पॉपअप आएगा तो आपको क्लोज़ करना ही है। वापस ऐड में जाना है, ऐड का नीचे सेंटर में जो बटन हो रहा है जूम इन जूम आउट, उस पर मुझे क्लिक करना है, और वापस मेरा एक ब्लैंक फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस नीचे नीचे करोगे तो सब लोडिंग करके दिखाएगा आपको। तो मैं अभी वापस टैप करूँगा फ्री स्टाइल पे। तो फ्री स्टाइल जो था यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, कोलैप्स करके है, और जो ऑप्शन है सेंटर में फ्री स्टाइल पे मैंने क्लिक किया, फिर ये गैलरी ओपन हो गया। और गैलरी ओपन होने के बाद दोस्तों इसमें जो मेरा कटआउट वाला फ़ोटो है उस पर मैं टैप कर रहा हूँ नीचे, देखिए ये ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा मैं, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो आर्टबोर्ड पे, लेकिन हमें सबसे पहले पीछे का बैकग्राउंड लेना है, बाद में ये इमेज उस पर प्लेस करना है छोटा बड़ा करके। तो मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, मतलब इस पर क्लिक करूँगा, और लेफ्ट साइड में जो क्लोज जैसा है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये बैकग्राउंड में मैं आ गया हूँ, और नीचे अभी बैकग्राउंड सिलेक्टेड है ऑप्शन, ठीक है। और अभी मैं बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया है दोस्तों। रेड कलर बैकग्राउंड करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा आ गया बैकग्राउंड। और अभी मैं इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करूँगा, तो मैं राइट में जा रहा हूँ स्क्रॉल करके। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, तो एक ब्रश है सेंटर में, देखो उस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन है, और ये नीचे मैंने ड्रॉ सर्कल रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया,
और ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फिल और स्ट्रोक का, तो मुझे फिल वाला चाहिए सर्कल, तो मैं अभी फिल वाला सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। लेकिन सर्कल को एक कलर भी देना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक कलर का या मतलब रेड कलर पे, ब्लैक कलर का नहीं, हम लोग येलो कलर का डालेंगे सर्कल, तो ज़रा अच्छा दिखेगा डिज़ाइन वाइज भी, उससे चैनल का लोगो जो भी बन रहा है वो एकदम उठ के आएगा कलर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे दोस्तों मैंने शेड सिलेक्ट करने के बाद कलर पे यहाँ पे ओके कर दिया ऊपर। ओके करने के बाद वापस मैं चेक कर रहा हूँ, फिल था मेरा येलो, ठीक है, तो लेफ्ट में येलो दिख रहा है आपको, नीचे सिलेक्टेड है। और ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आपको उंगली से खींच के इसको ड्रैग करना है, और आपका ड्रैग करके होने के बाद अगर ये छोटा बड़ा होता है तो आप इसको लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करके प्रॉपर सर्कल में ले सकते हो। तो मैं रेड बैकग्राउंड पे ये पूरा कवर करने वाला सर्कल लूँगा और इसको प्रॉपरली फिक्स कर दूँगा दोस्तों, कट टू कट एकदम। आपको भी ऐसा ही करना है अगर आपको ऐसा सेम लोगो बनाना है तो, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम ये स्टाइल ट्राई कर सकते हो और बाद में आपका खुद का स्टाइल भी डाल सकते हो, आपके दिमाग में कोई अलग डिज़ाइन है तो। बाद में आपको शेप ड्रॉ करके हो जाने के बाद टॉप राइट में जो राइट साइन है उस पर क्लिक करना है दोस्तों, ताकि ये प्रॉपर जगह पे फिक्स हो जाए। तो ये शेप अपनी जगह पे अभी फिक्स हो चुका है, तो मैं अभी वापस नीचे आ रहा हूँ और नीचे मैं जाके वापस ड्रॉ पे क्लिक करूँगा, ड्रॉ में जाऊँगा, ड्रॉ में जाने के बाद वापस मैं ड्रॉ सर्कल और रेक्टेंगल में जाऊँगा और मैं फिल लूँगा वापस, एक स्ट्रोक वाला नहीं ले रहा हूँ। तो लेफ्ट में देखो नीचे फिल और स्ट्रोक है, तो मैं फिल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर ओके कर रहा हूँ। तो ओके करने के बाद मैं वापस ब्लैक कलर है उसको चेंज करूँगा, मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, और ये अलग अलग शेड्स आ रहे हैं कलर के, तो मैं कलर शेड कुछ लूँगा पिंक और ब्लू का मिक्सचर, पिंक में लूँगा मैं, तो मतलब ये रेड के ऊपर येलो, येलो के ऊपर पिंक वाला शेड जो है वो अच्छा दिखेगा। और फिलहाल दोस्तों मेरा कलर सिलेक्शन हो गया और मैं कर रहा ऊपर से ओके, ओके किया मैंने, राइट साइन को दबाया, फिर मैं अभी ड्रैग करके शेप ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल के ऊपर और एक सर्कल, और मेरा ये प्रॉपरली शेप एकदम सेंटर में आने के बाद ऊपर टॉप राइट में जो चेक साइन है, मतलब राइट साइन जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बराबर साइन बोलते हैं हिंदी में, तो राइट साइन को मैं जाके ऊपर क्लिक करूँगा। ये पहले मैं अभी सेंटर में एकदम इसके प्लेस कर रहा हूँ, येलो के सेंटर में पिंक कलर का मेरा सर्कल आ गया, फिर मैंने नेक्स्ट किया ओके। ओके करने के बाद अभी मैं वापस जाऊँगा नीचे, और नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं जाऊँगा ऐड में। ऐड में जाने के बाद मेरे गैलरी के फ़ोटोज़ वगैरह ओपन हो गए, तो मैंने पहले जो कटआउट बना के रखा था फ़ोटो को, उसको मैंने अभी कर दिया है इंसर्ट। और आपको थोड़ा सा 3D दिखाना है तो आपका जो पिंक सर्कल है उसके बाहर आपके फ़ोटो का जो भी हाथ है, आपका जो भी बॉडी का शेप है, वो थोड़ा अंदर के शेप के बाहर आएगा, तो आपको थोड़ा 3D लगेगा वो। और ये आप ऊपर नीचे भी रिसाइज कर सकते हो, मतलब आपको काफ़ी लंबा लगते रहेगा फ़ोटो, तो थोड़ा सा स्क्वीज करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अभी मैं थोड़ा सा पिंक सर्कल के बाहर लूँगा ताकि ये थोड़ा 3D टाइप लगे। तो ये अभी 3D इफेक्ट आ रहा है अच्छे से। और नीचे आप लोग आपके चैनल का टेक्स्ट भी डाल सकते हो, या आपको ऐसे ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक भी रख सकते हो। तो अभी ये मैं व्हाट्सएप पे रख रहा हूँ ये फ़ोटो, तो अभी आप देखिए कैसा लगता है। तो ये चैनल पे भी यूट्यूब की यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी रख सकते हो, फेसबुक पे भी रख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम लोग गैलरी में सेव भी करेंगे, और सेव होने के बाद दोस्तों मैं सीधा अभी जाऊंगा गैलरी में, होम बटन दबाया मैंने, मैं आ रहा हूँ अभी गैलरी में। गैलरी में आने के बाद मैं फ़ोटो ओपन करूँगा, यहाँ पे मैंने पहले का जो है DP वो रखा है, और अभी जो मैंने बनाया है वो DP मैं अभी चेंज करूँगा। तो ये देखिए अभी अपना बनाया हुआ जो है व्हाट्सएप के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए वो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, और ये हो गया मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर अभी सेट। ऐसे ही आप यूट्यूब चैनल पर भी आपके अपलोड कर सकते हो एज अ चैनल लोगो दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये मैं यहाँ पे मैंने नाम डाला है, और नाम डालने के बाद नाम को भी हम रिसाइज कर सकते हैं, उसे स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। नीचे ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट के अलग अलग, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो। तो पहले हम लोग अभी करेंगे इस फोटो को सेव गैलरी में। तो ये चेक किया है मैंने जो ऑप्शन, वो चेक भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो मैं अभी गैलरी में सेव किया मैंने, सेव करने के बाद दोस्तों मैं जाके ओपन करूँगा ये फ़ोटो, और ये आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे शेयर का अभी अभी ऑप्शन भी देखा आपने, शेयर का ऑप्शन भी आता है डायरेक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू और कुछ भी मुझे नया मिला तो नई इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, इसमें कुछ कम ज़्यादा लगा रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।